ंग स्टूडेंट्स आई एम संजय कुमार सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम बी सी डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा टुडे वी विल रीड पेपर प्रोग्रामिंग इन सी ऑफ बी सी ए फर्स्ट सेमेस्टर एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक फंक्शंस फर्स्ट पार्ट एंड टुडे दिस इज सिक्स्थ लेक्चर ओके फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें जो आपके सिलेबस में दिया है एक्चुअली इसको मैंने दो पार्ट में वीडियो हमने बनाया है चूँकि एक बार में ज़्यादा थोड़ा मटेरियल हो जा रहे थे ज़्यादा स्लाइड हो जा रहे थे तो इसको मैंने दो पार्ट में किया फर्स्ट पार्ट आज हम लोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको अभी रिकॉर्डिंग कर आपको दे रहे हैं सेकेंड पार्ट फिर इसके बाद ठीक है तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है देखिए तो आपके सिलेबस uh, के अकॉर्डिंग नीड्स नीड एन एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन सबसे पहले ये नीड्स के बारे में ये कहता है एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन चूंकि पहले भी हमने बताया आपको फंक्शन जनरली दो तरह का होते हैं एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी पहले से डिफाइंड जो इसके तो कंपाइलर के द्वारा किया हुआ है सी कंपाइलर के द्वारा किया हुआ है और यूजर डिफाइंड मतलब ये हम लोग डिफाइंड करते हैं यहाँ एक्चुअली आपको पढ़ना है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोग क्रिएट करेंगे फंक्शन तो उसका नीड्स क्या है एक्चुअली जरूरत क्या है उसको प्री डिफाइंड में तो देखिए कुछ नहीं है वो ऑलरेडी जो सी का कंपाइलर जो एक बार प्री डिफाइंड करके और वो हेडर फाइल में स्टोर कर दिया उसको हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ तो आप अपने से कुछ कर सकते नहीं है और हम लोगों सिर्फ क्या करना होता है जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोगों सिर्फ उसको इंक्लूड हेडर फाइल लाइब्रेरी फाइल उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं और उस फंक्शन की यूज़ करते हैं इसके लिए उस उसमें कुछ खास पढ़ने का है नहीं लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो देखिए इसको समझना भी है और जानना भी है कि एक्चुअली ज़रूरत क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या है मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले नीड्स के बारे में तो देखिए फंक्शंस हेल्प अस इन रिड्यूसिंग कोडिडेंसी एक्चुअली फंक्शन का uh, काम क्या है फंक्शन करता क्या है कि जब हम कोडिंग करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग में जब कोडिंग लिखते हैं जब हम कोड uh, लिखते हैं या जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार रीटेंडेंसी मतलब होता डुप्लीक है डुप्लीकेसी मतलब एक ही चीज़ को अगर बार बार हम यूज करना चाह रहे हैं बार बार लिख लिख रहे हैं तो वो एक्चुअली टाइम वेस्टिंग है हमारे लिए और हमारा एनर्जी वेस्टिंग है तो उसको कम करने के लिए ये फंक्शंस का हम लोग हेल्प लेते हैं मतलब जब एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो हम लोग उसके बदले में अगर फंक्शन बनाकर रेडी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि बस उस फंक्शन यूज़ करेंगे फिर से वो कोडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें तो कोडिंग uh, का रियडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को रोकने के लिए मदद करता है फंक्शन इट फंक्शनलिटी इज परफॉर्म्ड एट मल्टीपल प्लेसेज इन सॉफ्टवेयर और इस तरह के फंक्शन के uh, जो हम लोग यूज है जो परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर में कई जगह आपको करने पड़ेंगे देन रादर देन राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन मतलब एक ही कोड को बार बार लिखना बार बार उसको टाइप करना कोडिंग में डालना तो उससे बचने के लिए ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वी क्रिएट ए फंक्शन एंड कॉल इट एवरी ओवर और अक्सर हम लोगों को फंक्शन को कॉल करेंगे और क्रिएट uh, करना पड़ता है और इसको बार बार हर जगह कॉल भी करना पड़ता है तो इसको बच से बचने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस एज वी हैव टू चेंज एट वन प्लेस इफ यू मेक फ्यूचर चेंजेज टू द फंक्शनलिटी और अगर मान लीजिए कि भविष्य में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं अगर आप फंक्शन में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस फंक्शन के थ्रू आप सॉफ़्टवेयर को मेंटेनेंस भी कर पाएंगे सॉफ्टवेयर में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो फंक्शन बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस जो भी पार्ट है वो चेंज हो हुँ जाएगा तो भविष्य में अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आसानी से फंक्शन के थ्रू बदल भी सकते हैं तो ये पहला नीड्स है सेकेंड नीड्स है फंक्शंस मेक कोड मॉड्यूलर मॉड्यूलर मतलब अलग अलग मॉड्यूल वाइज अलग अलग एक मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा एक मॉड्यूल बन जाएगा ताकि हम लोगों को समझने में और कोडिंग करने में सुविधा हो जाएगा कंसिडर ए बिग फाइल हैविंग मेनी लाइन्स ऑफ कोड इट बिकम्स रियली simple टू रीड एंड यूज़ द कोड इफ द कोड इज डिवाइडेड into function. फंक्शन मान लीजिए कि अगर आप बड़े बड़ा कोई फाइल है आपके पास सॉफ्टवेयर का और उसमें कई सारे अगर कोडिंग का लाइन मतलब है कई सारे लाइन्स आपने लिखा है कोडिंग में तो अगर आप अलग अलग मॉड्यूल बना लेते हैं तो क्या होगा कि उसको पढ़ना उसको यूज करना आसान हो जाएगा अगर उस कोडिंग को आप फंक्शंस में डिवाइड कर दें ठीक है तो ये एक सेकेंड नीट है थर्ड नीट्स है फंक्शंस प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शंस विदाउट वरिंग अबाउट देअर इंटरनल वर्किंग मतलब जैसे एब्सट्रैक्ट मतलब एक तरह से उसका ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि फंक्शंस के थ्रू अगर आप uh, एक इंटरनली uh, वर्क कैसे हो रहा है वो हम उसे मतलब हम लोगों को मतलब नहीं है हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिए लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी मतलब ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड फंक्शन का बात कर रहे हैं अब देखिए उस फंक्शन कैसे इंटरनली वर्क हो रहा है हम लोगों को कोई लेने देना उससे नहीं है हम लोग सिर्फ क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं तो हेडर फाइल लाइब्रेरी फाइल वहाँ हैश इंक्लूड में इंक्लूड करते हैं और फंक्शन को नीचे यूज करते हैं तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन का, का काम करता है फंक्शन तो ये एक नीड्स थे अब उसमें जो आपको पढ़ना है एलिमेंट्स अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे उसको क्रिए मतलब क्या क्या उसमें हम लोग यू मतलब लेते हैं एलिमेंट्स के रूप में वो हम लोग यहाँ देखेंगे तो देखिए देर आर मल्टीपल पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट मस्ट बी स्टैब्लिश इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ सच फंक्शन तो इस तरह का फंक्शन को बनाने के लिए कई सारे पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं जिसमें फोर पार्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है फोर एलिमेंट्स फर्स्ट जो है फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देन फंक्शन कॉल थर्ड फंक्शन डेफिनेशन फोर्थ है रिटर्न स्टेटमेंट तो चार अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इजो डिफाइन फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन और इसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं हम लोग ठीक है तो फंक्शन प्रोटोटाइप इन सी इज ए फंक्शन डिक्लेरेशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन एंड द नंबर टाइप्स नंबर टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स द कॉल फंक्शन एक्सपेक्ट टू रिसीव मतलब एक्चुअली जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर जो क्रिएट करेंगे जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो उस कंपाइलर को ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देता है जो जो भी प्रोटोटाइप हम लोग फंक्शन में डालेंगे वो बताता है कि जो फंक्शन के थ्रू जो रिटर्न टाइप जो रिजल्ट आएंगे उस, वो क्या उसको क्या होगा नंबर उसके क्या होंगे किस टाइप का वो रिटर्न देगा और उसके पैरामीटर में ऑर्डर मतलब पहले कौन कौन सा जो है उसमें हम लोग आर्गूमेंट जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कैसे उसको रिटर्न देगा वो यहाँ पर एक्चुअली डिक्लेयर कर होता है और फंक्शन एक्सपेक्ट टू रिसीव और ख़ास करके जो फंक्शन हम लोग रिसीव करते हैं तो उसको छोड़कर बाकी सारे चीज़ों को कंपाइलर जो है एक इंफॉर्मेशन के रूप में सी को देता है ताकि उसके जब हम लोग फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं या प्रोटोटाइप जो हम लोग यहाँ आर्गुमेंट डालते हैं तो जो डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक पूरा एक इंडेक्सिंग कर लेता है और रिटर्न टाइप क्या देगा वो एक तय कर लेता है तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग एग्जाम्पल आपको हमने शो किया एक तो पहला देखिए इंट एरिया ठीक है अब देखिए एरिया फंक्शन का नाम हो गया उसमें हमने पैरामीटर में, में देखिए जो फंक्शन डिफाइन किया इंट लेंथ इंट ब्रेथ दो अलग अलग हमने डिफाइन किया नीचे फंक्शन बॉडी होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं अब एरिया जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं तो डिक्लेयर उसमें कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं तो दो उसमें हमने लिया वेरिएबल अलग अलग लेंथ अलग ब्रिथ अलग ठीक है इस तरह ले सकते हैं सेकेंड देखिए इंट एरिया फिर देखिए इंट लेंथ इंट ब्रिथ और नीचे कुछ नहीं बस सिर्फ फंक्शन प्रोटाइट हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है थर्ड देखते हैं अलग अलग इस तरह से तरीका है टेक्निक है फिर इंट स्क्वायर ठीक है इंट आप देखिए ब्रैकेट में हमने उसमें जो लिया फंक्शन प्रोटोटाइप वो इंट ए ठीक है तो इस तरीके से देखिए नीचे हमने लिखा कि हियर इंट बिफोर फंक्शन नेम इंडिकेट्स दैट दिस फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू अब देखिए फंक्शन से पहले जैसे स्क्वायर से पहले हमने क्या लिया इंट तो इससे ये मालूम चल रहा है कि जो इसका रिटर्न वैल्यू आएगा वो इंटीजर वैल्यू होगा टू द कॉलर वाइल इंट इन साइड पैरंसेस इंडिकेट दैट दिस फंक्शन विल रिसीव एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम कॉलर मतलब जो देखिए ब्रैकेट में भी जो हमने डाला इंट तो उससे क्लियर होगा कि ये फंक्शन भी इंडिजर वैल्यू रिसीव करेगा जो हम लोग यहाँ पर ए में स्टोर करेंगे तो ये तीन अलग अलग तरीक़ा से यहाँ देखिए हमने दिया अब ये पहला डिक्लेरेशन था जो प्रोटाइप हम लोग यूज करेंगे जो इसका एलिमेंट सेकेंड जो है फंक्शन कॉल फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम जब आप प्रोग्राम में फंक्शन यूज करते हैं तो उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं कॉल मतलब यूज करना ठीक है द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन और यहाँ चूँकि ध्यान रखना है कि जो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और जब कॉल करेंगे तो उसके बीच के जो पैरामीटर डालेंगे जो आर्गूमेंट डालेंगे वो डिफर नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर वो आपका एरर आएंगे जो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर में डालेंगे वही हम लोग यहाँ कॉल में भी लेंगे ठीक है वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज ए डिक्लेयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन क्लियर है एक एग्जाम्पल देखते हैं हियर फंक्शन स्क्वायर इज कॉल्ड इन मेन और एस क्यू आर ठीक है और इसमें साइन हम लोगों ने क्या किया स्क्वायर और हम लोगों ने उसका आर्गूमेंट क्या डाला एक्स देखिए इसको फंक्शन कॉल करना इसको इस तरह से इंटेक्स डाला हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं प्रोड्राम नीचे देखिए डायग्राम में इंट मेन जिसे मेन के अंदर में देखे लिया हमने एस क्यू आर असाइन एस क्यू आर एक्स अब देखिए वहाँ हम लोगों ने क्या किया ऊपर में जो हम लोगों ने क्या किया कॉल किया ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप वो कॉल शो किया फंक्शन कॉल ठीक है जो मेन में देख रहे हैं आप और नीचे हमने लोग वहाँ पर डिफाइन किया कि स्क्वायर जो वर्क करेगा तो कैसे काम करेगा ऊपर में हम लोग मेन फंक्शन में क्या करते हैं कॉल करते हैं बस सिर्फ यूज कर लिए बट स्क्वायर कैसे काम करेगा उसको देखिए नीचे में हमने लिखा अब चूँकि स्क्वायर कैसे वर्क करेगा उसको तो नीचे डिफाइन तो करना पड़ेगा तो नीचे जो देख रहे हैं आप डेफिनेशन पार्ट है वो ठीक है उसको फिर हम लोग नीचे पढ़ेंगे अभी तो देखिए इंट स्क्वायर उसमें हमने कमेंट डाला इंट ए फिर उसमें जो भी आप कॉमेंट डालना चाहते डालिए फिर देखिए एस असाइन ए मल्टीप्लाई ए रिटर्न एस मतलब जो भी ए मल्टी चूँकि स्क्वायर क्या होता है जो भी ए में हम लोग इनपुट करेंगे उसको दो बार मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न एस में जो वैल्यू ला देगा अब इसको सिर्फ हम लोग ऊपर में देखिए मेन में यूज करेंगे जब स्क्वायर एक्स तो वो क्या करेगा कि स्क्वायर का जो भी हम लोग इनपुट करेंगे ए में वो जाके आपका एक्स में स्टोर करके और उसको स्क्वायर का आउटपुट एस क्यू एस क्यू आर में स्टोर कर देगा तो ये फंक्शन कॉल का एक टेक्निक था अब चूंकि इसमें एक पार्ट आया लास्ट में देखिए जो नीचे हम लोगों ने देखा फंक्शन डेफिनेशन तो उसको थर्ड आपका एलिमेंट वो भी है डेफिनेशन कैसे करेंगे इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड अब देखिए अभी हमने बताया था आपको कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट जो इसको एग्जीक्यूट करना है कॉल में तो सिर्फ हम लोग कॉल कर लिए बट ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करेगा वो पार्ट हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स वेन द फंक्शन इज कॉल्ड चूंकि जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करेगा वो तो हमको तय करना होगा डेफिनेशन पार्ट में ही नहीं तो फिर तो वहाँ तो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाएंगे हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन ये ध्यान रखना है कि एक बार में एक फंक्शन का एक ही वैल्यू रिटर्न वो शो करता है नीचे देखिए हालांकि आप वहाँ वो देख चुके फिर भी नीचे देखिए सिंटेक्स हमने डाला रिटर्न वैल्यू टाइप फंक्शन नेम देंगे फिर पैरामीटर लिस्ट आप ऊपर का एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं ठीक है और नीचे फिर आपका जहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा नीचे बॉडी ऑफ द फंक्शन जो भी फंक्शन के बॉडी होंगे उसका जस्ट एग्जाम्पल आप ऊपर वाले जस्ट नीचे जो जहाँ हमने डिफाइन किया था ऊपर पार्ट तो आप देख रहे हैं फंक्शन कॉल लेकिन नीचे पार्ट जो देख रहे हैं वो डेफिनेशन का एक एग्जाम्पल है जैसे देखिए इंट हो गया आपका रिटर्न टाइप स्क्वायर हो गया आपका फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट अंदर में ब्रैकेट में इंट ए हमने लिया है फिर नीचे देखिए कर्ली ब्रेसेस के बीच में वो सारे फंक्शन के बॉडी हैं क्लियर है तो ये थर्ड पार्ट आपका हो गया बॉडी फंक्शन नेक्स्ट जो आपका है और फोर्थ जो इसका एलिमेंट है रिटर्न स्टेटमेंट चूंकि अब वैल्यू रिटर्न भी शो करना है फंक्शन के थ्रू तो रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू एंड ट्रांसफर कंट्रोल्स द कॉलर मतलब जो भी जहाँ से फंक्शन कॉल होगा उसको एक्चुअली क्या रिटर्न वैल्यू होगा या कैसे उसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट शो है तो देखिए सेम एग्ज़ाम्पल हमने दिया जो कि लास्ट हमने दिया वहाँ भी देखिए सबसे ऊपर में कॉल अब देखिए ऊपर में रिटर्न स्टेटमेंट देखिए ऊपर में तो अब इंट मेन uh, में जो मेन में उन्होंने डाला तो एक्स जो डाला देखिए एस क्यू आर एज टू तो एस क्यू आर क्या है वो रिटर्न स्टेटमेंट देखा रिटर्न जीरो नीचे शो कर रहा है अब नीचे देखिए राइट साइड में देखिए नीचे वाला स्क्वायर में जो हमने लिया मेन में रिटर्न एस मतलब कि जो स्क्वायर में जो भी कैलकुलेशन हुआ वो कहाँ वैल्यू डाला एस में और एस में जो वैल्यू लिया हम लोगों ने जो आउटपुट आया वो कहाँ चला गया स्क्वायर एक्स में जो इनपुट करेंगे वहाँ वो शो करेगा ठीक है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जो राइट right साइड में नीचे जो देख रहे हैं आप वही रिटर्न का मतलब कि जो भी ए मल्टीप्लाई ए मतलब स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोग लेंगे ए में उसको कैलकुलेशन करके एस में स्टोर करेगा और वही रिटर्न आउटपुट वहाँ स्क्वायर जब कॉल करेंगे तो वहाँ उसको ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर किस में करेगा एक्स नाम का वैल्यू में जो ऊपर में हम लोगों ने लिया मेन फंक्शन में जब एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है तो ये रिटर्नेशन तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा ये चारों अलग अलग हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ लिया तो ये क्लियर हो गया अब फंक्शन को डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर फंक्शन के बारे में जान लें क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस दिया मैंने उसे उसे प्रयास किया क्योंकि आगे पीछे करने से हालांकि ये पहले पार्ट में देना चाहिए सिलेबस बनाने वाले को खैर कोई बात नहीं इसको फिर हम लोग यहाँ डिफिनेशन पढ़ते हैं तो फंक्शन है क्या ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट मतलब फंक्शन है क्या जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं कुछ अलग कंप्यूटेशन करना चाहते हैं और अलग उसका जो फिर आउटपुट होगा वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब कई सारे स्टेटमेंट को मिलाकर और हम लोग जब इनपुट लेंगे फिर कुछ स्पेशल वर्क करना चाहते हैं और आउटपुट हमारे प्रोड्यूस करेगा तो फंक्शन का काम ही है कि कई सारे स्टेटमेंट को वो इनपुट के रूप में लेगा जो स्पेशल वर्क करना चाहते हैं उसको स्पेशल वर्क करेगा एंड फाइनली हमें वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा द आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली और रिपीटिडली डन टास्क टुगेदर एंड मेक ए फंक्शन सो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट इनपुट्स वी कैन कॉल द फंक्शन सिंपल है कि इसका ये एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का आइडिया यही है कि जब कोई चीज़ ऐसा है कॉमनली या कॉमनली मतलब बार बार उसको यूज़ करना है या रिपीटडली कोई वर्क बार बार हम करना चाहते हैं और करना पड़ेगा प्रोग्राम में तो उस कंडीशन में जैसे हमको बार बार कोडिंग करना है लिखना है तो या कुछ इनपुट्स बार बार करना है तो उस कंडीशन में हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं और सिर्फ उसको कॉल कर लेंगे तो वो हमारा फिर से वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन और याद रखना है कि हर एक प्रोग्राम में आप फंक्शन बनाओ चाहे मत बनाओ यूज करो ना करो बट एक एक फंक्शन तो ज़रूर होता है जो मेन फंक्शन आप देखते हैं बराबर हम लोग इंड मेन या वॉइड मेन में यूज़ करते हैं तो ये मेन फंक्शन ज़रूर होता है और इस मेन फंक्शन में क्या होता है यहाँ से हमारा जितना भी हम लोगों ने स्टेटमेंट यूज करते हैं जो यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है वो उसमें स्टोर करता है ये फिर हम लोग कॉल करते हैं तो हम लोग एग्जीक्यूट कर देता है ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर जो हम लोग पहला एलिमेंट पढ़ा था डिक्लेरेशन तो उसका काम क्या है वो कंपाइलर को बताता है कि जो फंक्शन का नाम है किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और जो भी पैरामीटर हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन जो है रिटर्न वैल्यू शो करता है ये देखिए नीचे एक, एक फिर हमने यहाँ पर एक दिया फंक्शन का एक्चुअल बॉडी जो फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन के नीचे जो है वही एक्चुअली फंक्शन का एक्चुअल बॉडी है नीचे देखिए सेंटेक्स रिटर्न टाइप किस टाइप का टाइप वो रिटर्न करेगा फंक्शन नेम हो गया और वहाँ पर अलग अलग हम लोग आर्गूमेंट देंगे आर्गोमेंट वन आर्गोमेंट टू आर्गोमेंट थ्री थ्रे हम लोग जितना भी आर्गोमेंट देंगे वहाँ पर वो पैरथिस के अंदर में देंगे और नीचे में फिर कोडिंग करेंगे तो ये एक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस था एक एग्जांपल एक, एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं इसमें एक कोडिंग करके देख लेते हैं तो ऊपर में देखिए हेडर फाइल लिया हमने एस डॉट एच एन एग्जाम्पल फंक्शन दैट टेक टू पैरामीटर एक्स एंड वाई अब देखिए यहाँ पर दो पैरामीटर हम लोग लेंगे एक्स एंड वाई तो इंट मैक्स इंट इंट हो गया रिटर्न टाइप मैक्स हो गया आपका फंक्शन का नाम और हम लोग उसमें पैरामीटर जो ले रहे हैं जिसका आर्गूमेंट भी बोल सकते हैं आप दो दो ले रहे हैं एक एक्स और एफ एक वाई और दोनों इंटीज टाइप ले रहे हैं अब नीचे देखिए कंडीशन डाला हमने जो उसका कोडिंग जो लिया फंक्शन का इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई ये हम लोगों ने अभी फंक्शन डिक्लेयर किया और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन वाई तो रिटर्न एक्स तो अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो क्या रिटर्न देगा एक्स नहीं तो रिटर्न वाई ठीक है ये एक हम लोग एक मैक्स uh, नाम का एक हम लोगों ने फंक्शन बना लिया अब नीचे देखिए मेन फंक्शन दैट डजन रिसीव एनी पैरामीटर रिटर्न इंटीजर अब चूंकि मेन फंक्शन अब नीचे हम लोग यूज करेंगे जहां हम लोग रिसीव uh, कराएंगे जो भी पैरामीटर रिटर्न जो ओपन हम लोगों ने लिया चूंकि मैक्स में वहाँ पर रिटर्न हम वहाँ हम लोगों को इनपुट नहीं डालना है इनपुट कहाँ डालेंगे मेन फंक्शन में अब नीचे इन मेन जो बॉइड जो डिस्प्ले करेगा एक्चुअली तो देखिए ए में हमने क्या लिया टेन दो वेरिएबल लिया ए और बी और दोनों टाइप क्या है इंटीजर तो ए में लिया हमने टेंथ बी में लिया ट्वेंटी अब देखिए यहाँ पर उस मैक्स को जो हम लोगों ने बनाया था उसको कॉल करेंगे नीचे देखिए इंट एम एम एक न्यू वेरिएबल ले लिए <coughs> चूंकि जो मैक्स कॉल करने के बाद एक्चुअली उसको कहाँ शो करेगा कहाँ रिटर्न देगा वो तो एम में स्टोर कर देगा और मैक्स जो हम लोगों ने लिया वो हम लोगों ने वहाँ पर फंक्शन uh, को कॉल कर रहे हैं और देखिए ए कॉमा बी मतलब जो एक्स और वाई का जो वैल्यू था वो ए और बी का वैल्यू उसमें वो पुट करेगा तो ए और बी में हम लोगों ने जो वैल्यू लिया वो एक्स और वाई में चला गया और वहाँ ऊपर में कंपेयरिंग किया हो जो हम लोगों ने ऊपर मैक्स में डाला अब देखिए इंटरनली वर्क कर रहा हो हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन जब वो रिटर्न शो करेगा तो प्रिंट में देखिए अब वो चूंकि मैक्स का जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एम में स्टोर कर देगा और प्रिंटअप जो करेगा वो एम का वैल्यू करेगा रिटर्न जीरो चूंकि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है यहाँ तो सीधा वो कंपेयरिंग किया और डिस्प्ले कर देगा तो चूंकि यहाँ पर देखिए टेन ट्वेंटी से मतलब तो वहाँ पर चेक किया एक्स में पुट किया टेन और वाई में क्या पुट किया ट्वेंटी तो क्या सही है मतलब टेन से ग्रेटर देन ट्वेंटी तो इट शो कर दिया एम इज़ ट्वेंटी मतलब एम जो है वैल्यू ज़्यादा है ग्रेटर है तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं नेक्स्ट जो आपका पढ़ना यहाँ पर रिटर्न वैल्यूज़ एंड देयर टाइप्स मतलब चूँकि जो वैल्यू हम लोग फंक्शन में लेंगे और उसके कितने तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं जो आर्गोमेंट एक्चुअली जो हम लोग वैल्यू फंक्शन में जो आर्गोमेंट या पैरामीटर जो ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू रिटर्न करता है तो ये कितने तरीके से हम लोग इसको uh, अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें चार तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं जो इसके टाइप्स है वो फोर टाइप्स है जो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर पढ़ लें ए फंक्शन इन सी कैन बी कॉल्ड आइदर विद आर्गूमेंट्स और विदाउट आर्गूमेंट्स तो ध्यान रखना है कोई भी अगर सी में जब फंक्शन यूज करते हैं उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं या तो आर्गूमेंट के साथ कर सकते हैं या बिना आर्गूमेंट भी क्यों कर सकते हैं या पैरामीटर के थ्रू भी कर सकते हैं दीज फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यूज टू द कॉलिंग फंक्शन हो ये फंक्शन या तो रिटर्न वैल्यू दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है मतलब फंक्शन को कॉल करने के बाद तो ऑल सी फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर विथ आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स इन ए सी प्रोग्राम तो ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे या तो उसमें आर्ग्यूमेंट होगा या नहीं भी हो सकता है ऑल्सो दे मे मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ये भी सकता है ये वैल्यू रिटर्न देगा या नहीं भी दे सकता है बट अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग कंडीशन के हिसाब से एक छोटा सा उसमें देखकर फिर एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए तो पहला देखिए फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अब इस अभी जो नीचे एग्जाम्पल देख रहे हैं ना इसमें कोई आर्गूमेंट्स होगा ना कोई रिटर्न वैल्यू होगा और उसके थ्रू देखिए कैसे फंक्शन है हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वैन ए फंक्शन आई नो आर्गूमेंट्स इट डजेंट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन सिमिलरली वेन हिट इट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम द कॉल फंक्शन अब यहाँ पर हम लोग कोई आर्गूमेंट नहीं डाल रहे हैं तो क्लियर है कि कोई कॉलिंग फंक्शन के थ्रू कोई डेटा भी रिसीव नहीं होगा फिर उस तरह से अगर हम जब कोई रिटर्न वैल्यू नहीं शो कर रहे हैं तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो कोई डेटा फंक्शन कोई डाटा रिसीव भी नहीं लेगा वो ठीक है अब देखिए है सिंक्लोड स्टेट हेडर फाइल हो गया वाइड प्रिंट नेम प्रिंट नेम क्या आपका है फंक्शन का नाम हो गया देखिए इसमें कोई हमने आर्गूमेंट नहीं डाला नहीं डाला अब देखिए मेन फंक्शन प्रिंट एफ हलो हेलो प्रिंट करेगा प्रिंट नेम जो हम लोगों ने ऊपर फंक्शन कॉल, कॉल किया अभी देखिए फंक्शन कॉल किया फंक्शन कॉल में भी हम लोगों ने कोई भी हम लोगों ने डेटा हम लोगों ने पास नहीं किया अब वाइट प्रिंट नेम अब नीचे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्रिंट नेम जो हम लोगों ने ऊपर में डिक्लेयर किया था फंक्शन नेम तो नीचे सिंपल हमने लोगों ने प्रिंट में क्या लिया स्टूडेंट्स तो जब हम लोग जब डिस्प्ले करेंगे तो देखिए अब मेन में, में सबसे पहले प्रिंट तो हेलो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा और प्रिंट नेम जो हम लोगों ने कॉल किया था तो प्रिंट में हम लोगों ने क्या डाला था स्टूडेंट्स तो हेलो स्टूडेंट्स दिखा दिया तो इस तरह से ना यहाँ पर हम लोगों ने ना कोई आर्गमेंट डाला था ना कोई रिटर्न वैल्यू सिंपल जो हम लोगों ने प्रिंट में डाला वो उसको डिस्प्ले कर दिया तो एक तो ये कंडीशन है रिटर्न वैल्यू मैंने पाला सेकेंड जो इसका टाइप है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू अब देखिए इसमें हम लोग आर्गूमेंट डालेंगे बट रिटर्न वैल्यू नहीं देंगे तो वेन ए फंक्शन हैज़ आर्ग्यूमेंट्स इट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन बट इट रिटर्न नो वैल्यूज मतलब यहाँ आर्गूमेंट देंगे यहाँ डेटा रिसीव करेगा कॉलिंग फंक्शन से बट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा एक एग्जाम्पल फिर देखते हैं हेड्रोफाइल ले लेते हैं एस टी अब देखिए वाइड सम अब सम नाम का हम लोगों ने फंक्शन लिया और देखिए आर्गोमेंट यहाँ पास किया हम लोगों ने क्या आप आर्गोमेंट पास किया दो बार इंट इंट ले लिया हमने ठीक है वाइडमेंट main, अब मेन main में आ जाते हैं ए बी दो हम लोगों ने वेरिएबल लिया रिजल्ट तीन वेरिएबल हम लोगों ने लिया ठीक है सबसे पहले फिर क्या प्रिंटअप करेगा गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स ये डिस्प्ले करेगा नीचे फिर प्रिंटअप क्या देखे देगा इंट टू नंबर्स फिर दो नंबर हमसे मांगेगा ठीक है यूजर से दो देखिए अलग अलग ए और बी को हम लोगों ने इनपुट कराना है यहाँ पर डिज डी डि, दो बार परसेंटेज डी डि, परसेंटेज का मतलब डिजिट लेगा जो भी इन डिजिट टाइप लेंगे और नीचे देखिए सम को यहाँ पर कॉल कर रहा है और कॉल के बाद देखिए वहाँ पर ए कमा बी वहाँ पर हम लोग आर्ग, आर्ग, आर्गमेंट डाले ए और बी ठीक है अब नीचे देखिए चूंकि सम हम लोगों ने लिया था फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसको डिफाइन भी करना होगा तो नीचे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आर्गूमेंट में फिर इंट एक कमाई इंट बी जो हम लोगों ने दो बार इंट लिया था ऊपर में उसको हम लोग यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि ए के लिए इंट लिया था और बी के लिए इंट लिया था तो और नीचे सिंपल हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया अब देखिए यहाँ पर कोई रिटर्न हम लोगों ने वैल्यू नहीं डाल रहा ठीक है सिंपल जैसी जब रन कराएंगे आप तो क्या होगा सबसे पहला जो प्रिंटअप स्टेटमेंट था गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर वो शो कर देगा इंटर टू नंबर्स आपसे मांगेगा टेन और ट्वेंटी फोर सिम्पल जो है जो एडिशन है चूंकि सम को हमने कॉल किया था और ए प्लस बी देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट में लिया था तो ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट कर देगा तो अब यहाँ पर कोई आपसे वैल्यू यहाँ पर देखिए रिटर्न नो वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि वो तो सिर्फ ऐड कर रहा है कैलकुलेशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या था आर्गूमेंट डाला हमने बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं डाला मतलब हम जब हम लोग फंक्शन जब यहाँ नीचे डिफाइन किए तो उसमें हम लोगों ने कोई रिटर्न वैल्यू नहीं डाला तो सेकेंड ये था थर्ड जो है देखिए फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स बट रिटर्न से वैल्यू अब देखिए थोड़ा उल्टा है अब यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं होगा बट वैल्यू रिटर्न हम यहाँ पर डालेंगे ठीक है ये कैसे करेगा देखिए देयर कुड बी ओकेजन वेयर वी मे नीड टू डिजाइन फंक्शंस दैट मे नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न से वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन ऐसे कई बार आपको ऐसे आएंगे मौका जहाँ पर आपको ऐसे फंक्शन डिजाइन करने पड़ेंगे जहाँ आप आर्ग्यूमेंट नहीं डाल सकते मतलब तो वहाँ आप नहीं ले सकते बट आपको फंक्शन जो कॉल करोगे तो आपको रिटर्न वैल्यू वहाँ पर शो करना चाहिए देखते हैं इसको कैसा होगा स्टीडिया डॉटेस ले लिए अब देखिए यहाँ पर इंट सम अब देखिए यहाँ पर फंक्शन हमने क्या लिया सम कोई आर्गूमेंट नहीं है देखिए सम के पैनसेसिस के अंदर में कोई आर्गूमेंट नहीं लिया क्लियर है वाइटमेंट अब देखिए नीचे इंट रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया फिर वही प्रिंट एफ जो गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर शो करेगा फिर रिजल्ट आ, में देखिए अब सम फंक्शन को हमने कॉल किया कॉल किया अब कहाँ स्टोर करेगा उसको रिजल्ट में नीचे देखिए प्रिंट रिजल्ट क्लियर है ये मेन आपका फंक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा शो करिए अब नीचे देखिए सम को हमने डिफाइन करना है चूँकि सम हम लोग फंक्शन लिए हैं डिफाइन करेंगे तो नीचे देखिए इंट ए बी अब दो वेरिएबल फिर ए बी अब नीचे देखिए इंटर टू नंबर शो करेगा स्कैन ऐप के थ्रू दो अलग अलग वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे अब देखिए जो एक्चुअली जो इसमें हम लोग को पढ़ना है जो रिटर्न वैल्यू नीचे देखिए रिटर्न ए प्लस बी क्योंकि इसके पहले जो आप देख रहे थे वहाँ पर रिटर्न हमने स्टेटमेंट लिया ही नहीं था बट यहाँ हम लोग को रिटर्न वैल्यू को दिखाना है तो रिटर्न ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी को रि करके रिटर्न करेगा वैल्यू रिटर्न करेगा आर्गमेंट हमने नहीं लिया बट रिटर्न करेगा आउटपुट में तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है लास्ट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ भी देखिए जब आप रन कराएंगे तो गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स फिर दो नंबर मांगेगा टेन ट्वेंटी फोर दस हम इज थर्टी फोर बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि ये ए प्लस बी का वैल्यू रिटर्न करके उस सम में स्टोर कर देगा और जब सम को कॉल करेंगे ऊपर में तो वो रिजल्ट में स्टोर कर देगा तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा भी कई बार आएगा कंडीशन जहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे बट रिटर्न वैल्यू शो करेगा ठीक है और लास्ट फोर्थ जो इसका टाइप है फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू मतलब यहाँ आर्गूमेंट्स यहाँ देंगे और रिटर्न वैल्यू भी शो करेगा मैंने दोनों एक साथ तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों को एक कैसे लेते हैं एच डी आई डोडे हेडर फाइल ले लिए अब देखिए इंट सम, सम नाम का हम लोगों ने फंक्शन लिया अब आर्गूमेंट देखिए डाला हमने इंट इंट ठीक है दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट डाला मेन फंक्शन में आ जाइए ए बी दो वेरिएबल लिया रिजल्ट एक वेरिएबल लिया फिर गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर एक ही प्रोग्राम को देखिए अलग अलग हमने यूज़ किया तो आपकी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए फिर इंटर टू नंबर्स फिर स्कैन स्कैनअप के थ्रू देखिए दो अलग अलग वैल्यू हम लोग शो इनपुट uh, लेंगे फिर रिजल्ट देखिए आप यहाँ कॉल कर रहे हैं सम को कॉल कर रहे हैं और ए कमा भी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं उसका आर्गूमेंट और कहाँ स्टोर कर देगा रिजल्ट में और प्रिंटर फिर क्या शो करेगा द सम इज़ और डी का डिजिट जो होगा रिजल्ट में शो कर देगा ये आपका मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा अब नीचे देखिए डिक्लेयर कर कैसे करेंगे और यहाँ पर हम लोग रिटर्न वैल्यू भी लेंगे तो सम देखिए यहाँ पर सम में हम लोग फिर यहाँ पर आर्गूमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर रहा है इंट ए कॉमा इंट बी जो दो हम लोगों ने ऊपर इंट इंट लिया था वो हम लोगों ने एक ए के लिए लिया और एक बी के लिए लिया और देखिए रिटर्न स्टेटमेंट भी हम लोगों ने लिया यहाँ पर रिटर्न वैल्यू ए प्लस बी तो ए प्लस बी को शोर करके वो रिटर्न भी यहाँ पर वैल्यू दिखा मतलब इस प्रोग्राम में देखिए दोनों चीज़ हम लोगों ने ले रहा है मतलब आर्गूमेंट भी ले रहे हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं बाकी आप जो आउटपुट है सेम वही रहेगा गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर दो वैल्यू लेंगे टेन और ट्वेंटी और द सम इज थर्टी दिखाएगा तो हम लोगों ने अलग अलग यहाँ पर जो आपको एक्चुअली रिटर्न वैल्यू एंड टाइप्स जो पढ़ना था चारों तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और एक्चुअली इसके सेकेंड पार्ट जो है एक्चुअली एक पार्ट ज़्यादा लंबा हो रहा था ये प्रेजेंटेशन तो इसीलिए ये वीडियो इसीलिए इसको सेकेंड पार्ट में हमने और जस्ट कल उसको याद देखते हैं कल ही उसको अपलोड uh, करेंगे तो इसको पढ़ें और फिर नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लें ताकि उसमें फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा ओके थैंक यू